हमारे साथ श्री नीरज कांतिलाल पुरोहित साहब जो कि जुड़े हैं आत्मया फार्म से, आइए बात करते हैं। सर बताएं। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। सर बताएं जरा अपने बारे में और अपने ब्रांड के बारे में। सर हम बॉम्बे से आए हुए हैं और हमने तीन जन ने मिलकर 3 साल पहले एक कंपनी चालू की है और हमारे पास 70 गोवंश है और हम मुंबई में 350 घरों में सवेरे दूध दे रहे हम लोग और दूध के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास और यहाँ पे भी हम आए एक्सपोज करने के लिए क्योंकि हमारा जो घी है वो ऑलरेडी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया बहुत जगह पे जा रहा है और यहाँ पे ऑर्गेनिक एक्सपो में हमें जो मौका मिला है उसे और एक्सप्लोर करने आए हैं हम। जो कुछ आपके खास प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम बताइए जरा और दिखा भी दीजिए हमारे दर्शकों को। यह है केतू घी, बिलोना पद्धति से जो वैदिक हिसाब से बनता है वो घी है। ये जैगरी पाउडर है जो उत्तराखंड से हम फार्मर से डायरेक्ट लेते हैं, पूरे हम ही खुद वहाँ से बनवाते हैं। दूसरा सेंधा नमक है, सेंधा नमक है और मुंबई में मिल्क बेचते हैं और हम काउडंग के दिए, वैसे काउडंग के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, दिए बनाते हैं, धूपबत्ती बनाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति का बहुत बड़ा त्यौहार है तो हम गोबर की गणपति की मूर्ति भी बनाते हैं जो घर में विसर्जन करके फर्टिलाइजर इको फ्रेंडली हो जाता है वैसा। ठीक है सर। और सर आजकल देख रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है मार्केट के अंदर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सर वही कहना चाहेंगे कि अगर हम अच्छा खाएंगे, स्वच्छ खाएंगे, जितनी अच्छी हमारी खुराक होगी इतनी अच्छी हमारी सोच होगी। अगर हम अच्छा खाएंगे हमारी तबीयत अच्छी रहेगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारा देश अच्छा होगा और स्वस्थ रहेगा। तो सबको स्वच्छ खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।